जिला भोपाल, जानिए भोपाल का इतिहास उजड़ने से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी बनने तक का सफर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे भारत और हर राज्य हर जिले की वीडियोस मैं इस चैनल पर डेली लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। यह शहर 663 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। अनेक प्रकार की झीलों की उपस्थिति के कारण इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल का इतिहास आकर्षक और परिवर्तनशील रहा है, क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े ताल हैं। यह शहर अचानक सुर्खियों में तब आ गया जब 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। भोपाल गैस कांड का कुप्रभाव आज तक वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण के अलावा जैविक विकलांगता एवं अन्य रूपों में आज भी जारी है। इस वजह से भोपाल शहर आंदोलनों का केंद्र है। भोपाल परमार राजा भोज के द्वारा 11वीं सदी में बसाया गया था। भोपाल 18वीं शताब्दी तक एक स्वतंत्र राज्य था। यह 1918 से लेकर 1947 तक हैदराबाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, साथ ही ये भारत के बड़े शहरों में शुमार की जाती है। अगर अभी भोपाल शहर जैसा दिखाई देता है, हमेशा से वैसा बिल्कुल नहीं था। इस शहर को सबसे पहले राजा भोज ने बसाया था, फिर यह शहर लूटा। इसके बाद एक अफगान सरदार ने इसकी स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की। तत्पश्चात भोपाल रियासत में तब्दील हो गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद यह स्वतंत्र राज्य बना, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद भोपाल को जिला बना दिया गया और आज हम जिस भोपाल को जानते हैं वह एक जिला और शहर दोनों हैं। भोपाल अभी मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आइए जानते हैं भोपाल शहर के अब तक के सफर के बारे में। भोपाल का पहला नाम भोजपाल था। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भोपाल की झील का नाम भोजताल था और वहां के निवासी इस जगह को भोजपार बोलते थे। इस झील का निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में अपने हित के लिए करवाया था। दरअसल राजा भोज कुष्ठ रोग से ग्रसित थे और उनके चिकित्सक ने उन्हें सलाह दी थी कि अगर वह प्रतिदिन 365 नदियों के पानी से स्नान करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा। इसी कारण इस भोजताल का निर्माण हुआ था। यह जलाशय भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भोपाल की पहचान और वहाँ के निवासियों के लिए वरदान है। भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का एक कारखाना है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी स्थापित की है। भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है, जो भारत में वन प्रबंधन का एकमात्र संस्थान है। साथ ही भोपाल उन 6 नगरों में से एक है जिनमें भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था खोलने का फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक विश्वविद्यालय, अनेक इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा अनेक पब्लिक स्कूल हैं। अब हम जानते हैं भोपाल का इतिहास और कैसे भोपाल राज्य आधुनिक भोपाल शहर बना। वर्तमान भोपाल शहर की स्थापना मुगल सल्तनत के एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। मुगल साम्राज्य के विघटन का फायदा उठाते हुए खान ने बेरासिया तहसील हड़प ली। कुछ समय बाद गोंड रानी कमलापति की मदद करने के लिए खान को भोपाल गांव भेंट किया गया। रानी की मौत के बाद खान ने छोटे से गोंड राज्य पर कब्जा जमा लिया। मराठाओं ने भोपाल राज्य से चौथ कुल लगान का चौथा हिस्सा वसूला। 1737 में मराठाओं ने मुगलों को भोपाल की लड़ाई में मात दी। खान के उत्तराधिकारियों ने 1818 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ संधि कर ली और भोपाल राज्य ब्रिटिश राज की एक रियासत बन गया। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, भोपाल राज्य की वारिस आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई। उनकी छोटी बहन बेगम सजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। 1949 में भोपाल राज्य का भारत में विलय हो गया। बेगम शाहजहां को वास्तुकला में अधिक रुचि थी। उनके नाम पर एक छोटा सा शहर जो शाहजहांबाद है। बेगम सुल्तान जहां 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाकर भारत के विकास में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था, वह सरकार अम्मा के नाम से भी मशहूर थी। उन्होंने सदर मंजिला नाम से भी अपना
महल भी बनवाया जो अब भोपाल नगर निगम का मुख्यालय है। अब हम जानते हैं भोपाल जिले के गैस त्रासदी के बारे में। भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र किए बिना भोपाल के इतिहास की कहानी अधूरी है। इस घटना की वजह से भोपाल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ये घटना न केवल भारत के इतिहास बल्कि विश्व के इतिहास में भी एक बड़ी घटना थी। ये आपदा UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक संयंत्र भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इस तरह की घटना पूरी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। यह रासायनिक घटना भंडारण टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। यह फैक्ट्री में शामिल लोगों द्वारा लापरवाही और असावधानी का एक स्पष्ट मामला था। लोगों ने मिथाइल आइसोसाइनेट को सूंघ लिया और पल्मोनरी एडिमा, चोकिंग, सर्कुलेटरी कोलेप्सिस जैसे कई कारणों से सुबह तक मर गए। जिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई उन्हें कैंसर, स्थायी अंधापन आदि जैसी गंभीर बीमारियां हो गईं। लगभग 4000 मौतों की सूचना मिली थी और 16000 से अधिक मौतों का दावा किया गया था। लगभग 5.6 लाख लोग गैर घातक लेकिन गंभीर चोटों से पीड़ित हुए। इस स्थान के पास भूजल, मिट्टी और हवा सदियों से दूषित है और आज तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। यह घटना हम सभी के लिए अज्ञानता का अभ्यास नहीं करने के लिए एक कठिन सबक की तरह है। भोपाल जिले का क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भोपाल जिले की जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भोपाल के आसपास के क्षेत्र में विनध्य पर्वत श्रृंखला आती हैं। भोपाल में मुख्य तौर पर दो भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी राज्य की भाषा है। भोपाल के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन यहाँ पर उर्दू बोलने वालों की संख्या भी काफ़ी है। अब हम जानते हैं भोपाल की स्थापना। आज़ादी के समय तक भोपाल एक रियासत थी लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भोपाल रियासत का भारत में विलय हो गया। भोपाल राज्य की भारतीय संघ के एक भाग राज्यसी के रूप में बनाया गया था। बाद में 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप भोपाल सी राज्य या मध्य प्रदेश बन गया। भोपाल राज्य के मध्य प्रदेश बनने के बाद 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आज हम इसी भोपाल को देखते हैं। भोपाल से होकर बेतवा नदी बहती है। बेतवा का उद्गम स्थल भोपाल के पास है। यहाँ से होते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा मध्य प्रदेश में 216 किलोमीटर का सफ़र तय करती हुई बहती है जबकि इसका 261 किलोमीटर का बहाव यूपी में है। बेतवा की कुल लंबाई 575 वर्ग किलोमीटर है। हलाली, बह, सागर, जमनी और बिना जैसे छोटी नदियां बेतवा की सहायक नदियां हैं। अब हम जानते हैं भोपाल के धार्मिक स्थल। भोपाल एक सांस्कृतिक और धार्मिक जगह भी है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, भोजेश्वर मंदिर, गुफा मंदिर, खटलापुर व प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसके अलावा भोपाल में मोती मस्जिद और जामा मस्जिद जैसी अन्य कई बड़ी मस्जिदें स्थित हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं भोपाल के भोजपुर के बारे में। यह प्राचीन शहर दक्षिण पूर्व भोपाल से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर भगवान विष्णु को समर्पित भोजेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। भोपाल से 28 किलोमीटर दूर भोजपुर की स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी, इसीलिए स्थान भोजपुर के नाम से चर्चित है। दोस्तों अब हम जानते हैं भोपाल के प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे पहला है गोहर महल भोपाल। झील के किनारे बिना ये महल शौकत महल के पीछे स्थित है। पुरातत्विक संग्रहालय भोपाल बनगंगा रोड पर स्थित इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित की हुई मूर्तियों को रखा गया है। अगला है भारत भवन भोपाल। यह भवन भारत के सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। 1982 में स्थापित इस भवन में अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यह अनोखा संग्रहालय श्यामला की पहाड़ियों पर 200 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है भीमबेटका गुफाएं। दक्षिण भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका की गुफाएं
प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। इन गुफाओं के अंदर बने चित्र गुफाओं में रहने वाले प्रागैतिहासिक काल के जीवन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भोपाल के ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सुविधा मौजूद है। भोपाल रेलवे स्टेशन से देश के कोने कोने तक ट्रेनों की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। भोपाल में रेलवे का नेटवर्क सबसे अच्छा है। इसके अलावा भोपाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित बस अड्डा है। बस अड्डे से देश के प्रमुख शहरों तक बस सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों, इस वीडियो में समस्त जानकारी हमारी स्वयं की रिसर्च द्वारा एकत्रित की गई है। किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई त्रुटि हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को कमेंट करने से दूसरों को भी पता लगेगा। दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे भारत हर राज्य की वीडियो इस चैनल पर मैं डेली लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।